मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। एक अंकीय संख्याओं को जोड़कर दो अंकीय संख्याएं बनाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे दो एक अंकीय संख्याओं को जोड़कर दो अंकीय संख्या बनाना, दो से ज्यादा एक अंकीय संख्याओं को जोड़कर दो अंकीय संख्या बनाना। बच्चों, संख्याओं को जोड़ना तो तुम जानते ही हो, तो बताओ 6 प्लस 6 कितना होगा? दीदी 12 होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर 6 यानी 6 इकाई। जब कोई संख्या सिर्फ इकाई में हो तो वो होती है एक अंकीय संख्या, तो 6 है एक अंकीय संख्या। 12 यानी एक दहाई और दो इकाई। जब कोई संख्या इकाई और दहाई में हो तो वो होती है दो अंकीय संख्या, तो 12 है दो अंकीय संख्या। समझ गए ना? यानी यहाँ पर हमने एक अंकीय संख्याओं को जोड़ा और हमें दो अंकीय संख्या 12 मिली, है ना? जी दीदी। बच्चों, इसी तरह से हम एक अंकीय संख्याओं को जोड़कर दो अंकीय संख्या बना सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ दो अंकीय संख्या 12 को बनाने के लिए हम कौन कौन सी एक अंकीय संख्याओं को जोड़ सकते हैं? तुम्हारे पास 0 से 9 तक संख्याएं हैं, तो सोचो जल्दी जल्दी। दीदी, हम 3 और 9 को जोड़कर संख्या 12 बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, और सोचो। दीदी, 4 और 8 को जोड़कर भी संख्या 12 बना सकते हैं। हाँ चटर, तुमने भी सही जवाब दिया। अच्छा, और संख्याएं सोचकर बताओ। अरे बच्चों, 5 और 7 को जोड़कर भी तो संख्या 12 बना सकते हैं ना? ओ हाँ दीदी। तो बच्चों, देखा तुमने, संख्या 12 को बनाने के लिए हम 6 और 6 को जोड़ सकते हैं, या 3 और 9 को जोड़ सकते हैं, या 4 और 8 को जोड़ सकते हैं, या फिर 5 और 7 को जोड़ सकते हैं। समझ गए ना? अजी दीदी। अच्छा, अब बताओ दो अंकीय संख्या 15 को बनाने के लिए कौन कौन सी एक अंकीय संख्याओं को जोड़ सकते हैं? दीदी 6 और 9 को। एकदम सही पटर, 6 और 9 को जोड़कर संख्या 15 बना सकते हैं। दीदी, 7 और 8 को जोड़कर भी तो संख्या 15 बनाई जा सकती है ना? हाँ चटर, बनाई जा सकती है। चलो अब बताओ संख्या 18 को बनाने के लिए कौन कौन सी एक अंकीय संख्याओं को जोड़ सकते हैं? 9 और 9 को जोड़ने पर संख्या 18 बनेगी, है ना दीदी? हाँ पटर, शाबाश। दीदी, क्या किसी और तरीके से भी हम संख्या 18 बना सकते हैं? अच्छा सवाल किया चटर, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो यहाँ संख्या 18 को बनाने के लिए हमने एक अंकीय संख्या 9 को दो बार जोड़ा है, है ना? अगर मैं कहूँ कि किसी एक अंकीय संख्या को 3 बार भी जोड़ सकते हैं, तो बताओ ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी? दीदी, अगर हम 6, 6 और 6 को जोड़ दें तो संख्या 18 बन जाएगी। हाँ चटर, बहुत अच्छे। दीदी, 7, 3 और 8 को जोड़कर भी तो संख्या 18 बना सकते हैं ना? हाँ पटर। बच्चों, इसी तरह से अगर हम 5, 7 और 6 को जोड़ दें तो भी संख्या 18 बन जाती है। अच्छा अब बताओ 8, 4 और 6 का जोड़ कितना होगा? दीदी, 8 और 4 होगा 12, फिर 12 में 6 जोड़ेंगे तो मिलेगा 18। लो तो फिर से बन गई संख्या 18। ओ हाँ। चलो अब बताओ 9, 3 और 6 का जोड़ कितना होगा? 9 और 3 होगा 12, फिर 12 में 6 जोड़ेंगे तो मिलेगा 18, है ना दीदी? हाँ चटर, देखो
फिर से संख्या 18 मिल गई। तो चटर, देखा हमने कितने तरीकों से संख्या 18 को बनाया? हाँ दीदी। बच्चों, इसी तरह से हम 2, 3 या उससे ज्यादा एक अंकीय संख्याओं को जोड़कर 2 अंकीय संख्या बना सकते हैं। ये तो बहुत मजेदार है दीदी। हाँ दीदी। आओ अब एक खेल खेलते हैं। यहाँ पर 5 पर्चियाँ हैं जिन पर संख्याएं लिखी हुई हैं। तुम्हें इनमें से कोई 4 पर्चियाँ लेनी है और लिखी हुई संख्याओं को जोड़कर संख्या 15 बनानी है। ठीक है, तो चलो जल्दी से बनाओ। पहले संख्या 2 और 3 लेंगे, इन्हें जोड़ने पर मिलेगा 5। फिर संख्या 4 लेंगे, अब 5 और 4 हो गया 9। फिर लेंगे हम संख्या 6, 9 और 6 होगा 15। तो दीदी हम संख्या 2, 3, 4 और 6 वाली पर्चियां लेंगे। बहुत बढ़िया पटर। चलो अब इन 6 पर्चियों में से कोई 5 पर्चियों को लो और उन पर लिखी हुई संख्याओं को जोड़कर संख्या 20 बनाओ। जल्दी जल्दी। पहले संख्या 1 और 4 ले लेता हूँ, इन्हें जोड़ने पर मिलेगा 5। फिर संख्या 5 ले लूं तो अब 5 और 5 हो गया 10। फिर ले लेता हूँ संख्या 6, तो 10 और 6 हो गया 16। अब संख्या 4 ले लेता हूँ, 16 और 4 हो जाएगा 20। तो दीदी हम संख्या 1, 4, 5, 6 और 4 वाली पर्चियां लेंगे। शाबाश चटर, कैसा लगा ये खेल? बहुत अच्छा दीदी। बच्चों, तुमने 2 और उससे अधिक एक अंकीय संख्याओं को जोड़कर 2 अंकीय संख्याएं बनाने की अवधारणा को समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी है जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।